अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया और क्षमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान का विजय, रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की मैं नरेंद्र कुमार आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दशहरे का मतलब सिर्फ रावण दहन से नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत से भी है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा मात्र रावण के पुतले दहन के रूप में बुराइयों का अंत का प्रतीक भर नहीं है बल्कि यह उस महायुद्ध का प्रमाण है जिसका उद्देश्य था राम राज्य की स्थापना। यह महायुद्ध भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम के द्वारा महाअहंकारी लंकापति दशानन का अंत कर राम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से हुआ था। इस महायुद्ध में आसुरी शक्तियां द्वारा रचा गया छल कपट एवं मायावी षड्यंत्र प्रभु राम के समक्ष निरर्थक साबित हुए। अंततः सत्य एवं संवेदना की विजय हुई और असुर शक्ति का विनाश हुआ। रावण जलाओ, बुराई को आग लगाओ, अच्छाई को अपनाओ, खुशियां मनाओ, खूब खाओ पियो, दशहरा का त्योहार मनाओ। शांति अमन के इस देश से अब बुराई को मिटाना होगा। आतंकी रावण का दहन करने आज फिर राम को आना होगा। फूल खिले, खुशी आपके कदम चूमे, कभी ना हो दुखों का सामना, धन ही धन आए आपके आंगन, यही है दशहरे के अवसर पर हमारी मनोकामना। दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सच्चाई और अच्छाई की राह पर वो विजय का प्रतीक बन जाता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो आए दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, दिन आएगा सबका सुनहरा। इसीलिए सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, लिविंग हैप्पीली की ओर से। माँ दुर्गा प्राणियों को दुर्गति से निकालती है, माँ अपने भक्तों को उनके हर विघ्न बाधाओं से बचाती है, प्रसन्न होने पर उन्हें सुख समृद्धि व ऐश्वर्य का वरदान भी देती है। माँ दुर्गा आपको अपनी सभी भुजाओं से लाभान्वित करें, बल बुद्धि ऐश्वर्य सुख स्वास्थ्य दौलत अभिजीत निर्व्यक्ति संपन्नता ये सब आपको मिले। इन्हीं सभी ढेर से शुभकामनाओं के साथ फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।